अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे आप सब लोगों को खुश आमदीद। आज मैं बना रही हूँ आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। दावत के खाने तो हम सबको आते हैं क्योंकि हम सब उनको सीखते हैं, लेकिन घर के खाने हम नहीं सीखते। मैं आपको सिखाऊंगी घर के बने हुए लजीज खाने। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यार प्यारे कमेंट्स कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैंने आधी प्याली हसबे ज़रूरत तेल लेने हैं आप। मैंने आधी प्याली लिया है अपने घर के हिसाब से। के लिए हम हाफ टी स्पून जीरा लेंगे और दो तीन साबुत लाल मिर्च से। इसको कड़ाएंगे हम। जैसे इसकी खुशबू आने लगेगी तो हम आधी प्याज स्लाइस करके डाल देंगे। प्याज लाइट गोल्डन होना शुरू हो गई है तो ये मैंने दो दरमियाने साइज के टमाटर लिए, हम इसमें डाल देंगे। प्याज से टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी इसमें। स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च और हल्दी। सब मसाला बिल्कुल भून के तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा अपने आलू फ्राई करेंगे। अब शिमला मिर्च शामिल करेंगे। इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। बस अब हम इसमें गलने जितना पानी डालेंगे। ये क्योंकि भुजिया है इसलिए इसमें पानी नहीं होना चाहिए। हल्की सी ग्रेवी अगर आपको पसंद है तो थोड़ा सा ऊपर पानी डालिए, दो तीन घूंट। बाकी हम इसमें सिर्फ और सिर्फ गलने जितना, तकरीबन ये मैंने आधा कप जितना पानी डाला है इसके अंदर। जैसे हमारे आलू भी गल जाए और शिमला मिर्च भी गल जाए, क्योंकि टमाटर डाला हुआ है इसलिए आलू भी गलने में थोड़ा टाइम लेंगे इसमें। बस अब हम इसे कवर करके हल्की आंच पर रख देंगे ताकि ये पकता रहे। 10 मिनट बाद मैं इसे चेक करूंगी, अगर आलू में कसर हुई तो 3-4 मिनट और पका लेंगे, वरना फिर हम फाइनल आपको लुक दिखाएंगे इसकी। देखिए हमारे शिमला मिर्च आलू बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपको इतनी ग्रेवी रखनी है तो आप इस स्टेज के ऊपर जो है स्टोव बंद कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा पानी कम करूंगी और ये बिल्कुल रेडी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार हैं। बनाइए, खाइए और मुझे दुआ में याद रखिए।